तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं राग यमन का जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जैसे राग यमन के चलन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या लगता है, नी रे गा रे गा मा पा नी सा नी गा ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले सी का जो है, इस पे आप करेंगे नी रे गा रे गा मा पा मा धा नी सा नी गा पा मा गा रे। ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे आप अप डाउन यूज कर सकते हैं। अब ये लोअर ऑक्टेव का है और ये थोड़ा इससे हाई है, मिडिल में जा रहा है, देन आप इसको यहाँ पे भी बजा सकते हैं। अब क्या करेंगे, नी से लेना है, कैसे हो हमारे YouTube फैमिली के मेंबर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कि आपने YouTube पे थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, और आज इसमें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक हमारे फैमिली के मेंबर हैं मुझसे पूछा है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रागाज वगैरह हैं वो लोअर ऑक्टेव में, मिडिल में और हाई में किस प्रकार से मूव करते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, चलन ले सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे चलेंगे। जैसे कि राग भूपाली का ले लेते हैं, तो भूपाली जो है ये ओडाऊ जाति का राग है, और ओडाऊ मीन्स होते हैं इसमें पांच नोट लगे हैं। तो बाहर से थोड़े डोगी वगैरह भोंक रहे हैं, आप बैकग्राउंड के जो डिस्टरबेंस आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप वीडियो पर फोकस रखिए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो समझने का है। देखिए, अब राग भूपाली में जो नोट जा रहे हैं, जैसे कि मेजर स्केल प्ले कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ही सा रे गा मा पा धा नी सा नी गा पा मा गा रे सा, यहाँ पे भी मेजर स्केल बजा लिया पहले, और पूरे पे फ्रेट बोर्ड पे हमने क्या किया, हाथ को फ्री किया। और फिर क्या करेंगे हम इस पर, हमको पता है कि राग भोपाली के अंदर कौन कौन से नोट जाते हैं। देखिए, राग भोपाली में सिर्फ पांच नोट जाएंगे, पेंटाटोनिक इसको इसीलिए कहा जाता है। कौन कौन से नोट जाएंगे स्केल के, सा रे गा पा ध सा राग भोपाली का इस प्रकार से चल रहा है। तो सा रे गा पा धा सा, इस प्रकार से चलते हैं, सा रे गा पा ऐसे होगा। यहाँ पे कैसे बजाएंगे इसमें, सा रे गा पा धा सा गा पा गा रे सा। मैं इधर बजा रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे उतरना है, मेरे मुझको पता है स्केल कैसे मैच होता है। इस वाले जो ऑक्टेव का जो सिंपल है स्केल में, सिर्फ कौन से पांच नोट देखने हैं, सा रे गा पा धा सा, पांच नोट लेने हैं। दो नोट हमने इसमें स्किप किए हुए, एक तो मान ही ले रहे हैं
और एक कौन सा नहीं ले रहे हैं, नी। ठीक है, तो कैसे बजा रहे हैं हम इसको, सा रे गा पा धा सा, नी नहीं ले रहे हैं और कौन सा नहीं ले रहे हैं, मा। सा रे गा पा धा सा, सा गा पा धा रे सा, सेम ये यहां बजा लेंगे। इस वाले ऑक्टेव में यूज करना है तो कैसे लेंगे, इसका भी सा कहां बैठेगा, ये। ये हमको ज्ञात होना चाहिए स्केल में से कैसे नोट वगैरह को निकालना है। आई होप कि आप ये दो रागास से समझ गए होंगे। राग भूपाली का थोड़ा चलन देख लेते किस प्रकार से हम इसको बजाएंगे। इस प्रकार से कनेक्टेड है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको ये रागाज वगैरह लोअर ऑक्टेव में कैसे जाते हैं, हाई में कैसे आ रहे हैं, मिडिल में कैसे बजा रहे हैं, उसके लिए आपको स्केल क्लियर होनी चाहिए। सी का हो, सी शार्प का हो, डी का हो, ई का हो, ऐसे ही कनेक्टेड नोट आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर भी लेसन बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिस कारण से मैं, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैं फिर से लेसन बनाने की कोशिश करूँगा यदि आपके समझना है। आई होप के, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। आई होप के आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू।